बागपत की जेल में कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में डीजीपी ओपी सिंह ने सुरक्षा में चूक जैसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि झांसी से बागपत जेल भारी सुरक्षा के बीच बजरंगी को ले जाया गया था। उन्होंने कहा जो सुरक्षा पहले से लगाई गई थी उसके अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ में थी। साथ ही मुन्ना बजरंगी के इलाज के लिए 2 एम्बुलेंस भी लगाई गई थी। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा में किसी भी तरह के चूक होने की बात से इनकार किया गया है। ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश की सुरक्षा को लेकर डीएम एसएसपी को आदेश दिए गए हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने ये बातें लखनऊ में यूनिसेफ और पुलिस संयुक्त कार्यक्रम किशोरों से संबंधित कानूनी नियम और व्यवस्था पर एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कही। इसके उपरांत डीजीपी महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। सुरक्षा की कोई चूक नहीं हुई है, कोई लापरवाही नहीं हुई है। जब झांसी जेल से उसे बागपत जेल ले जाया गया, हमने स्टेप अप किया अपनी सिक्योरिटी को। जो सिक्योरिटी दी जाती है उससे कहीं बढ़ाकर हमने सिक्योरिटी दिया। हमने 2-2 एम्बुलेंस उसमें लगाए, 2-2 डॉक्टर्स वहां पे लगाए ताकि उनका चिकित्सा परीक्षक हमेशा होता रहे। पूरे रास्ते भर जो करीब 12 घंटे का रास्ता था, उस 12 घंटे में हमने उसको बहुत ही सुरक्षित ढंग से दूसरे जेल में वो किया। तो मैं समझता हूं कि कोई चूक पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है और वैसे भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, विवेचना चल रही है और जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।